नमस्कार दोस्तों, आज जो मैं उपाय रखने वाला हूँ, भगवान श्री गणेश का उपाय रखने वाला हूँ। अगर आपके संतानों के शादी में किसी प्रकार का विघ्न आ रहा है, बात हो रही है लेकिन बात आपकी वहाँ अटक रही है, बात आगे नहीं बढ़ रही है, या हम देखने के लिए जाते हैं, वो देखने के लिए आते हैं, हमें लग रहा है कि हमारा रिश्ता पक्का हो जाएगा लेकिन वो रिश्ता पक्का नहीं हो रहा है, तो ये उपाय आप जरूर करें। जिसकी भी शादी नहीं हो रही है वो उपाय कर सकते हैं, उसके माता पिता भी ये उपाय कर सकते हैं, लेकिन किसी दिन आपको आरंभ करना है। जो भगवान श्री गणेश का महापर्व आ रहा है, हम अपने घरों में भगवान गणपति जी की स्थापना करते हैं। गणेश चतुर्थी जो 19 सितंबर से उस महापर्व की शुरुआत हो जाएगी और अनंत चतुर्दशी तक ये पर्व हमारे भारत देश में श्रद्धा भाव के साथ ये उत्सव हम करते हैं। साथ ही आपको ये उपाय है, शादी का उपाय कि शुरुआत आपको चतुर्थी माने श्री गणेश की जब हम स्थापना करें उसी दिन से आरंभ कर सकते हैं। लेकिन अगर उसी दिन आप ये उपाय न कर सके तो आपको किसी प्रकार का चिंता नहीं करनी है। ये 10 दिनों में किसी भी दिन, लास्ट 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, किसी भी दिन आप ये उपाय कर सकते हैं। हमारे शास्त्रों में भगवान श्री गणेश का बड़ा महत्व दिया गया है। किसी प्रकार के जीवन में जब विघ्न आते हैं तो भगवान श्री गणेश को याद करने से सारे विघ्न दूर हो जाते हैं। हमारा कोई भी कार्य जब रुक जाता है और भगवान श्री गणेश को हम याद करते हैं, उसकी उपासना करते हैं, उसकी पूजा करते हैं, तब ये काम जरूर हो जाता है। इसलिए हमारे शास्त्रों में भगवान श्री गणेश की पूजा पहले मानी गई है। साथ साथ ये उपाय जिसकी शादी नहीं हो रही वो भी कर सकते हैं, उसके माता पिता भी कर सकते हैं। ये उपाय पूरा सुनिए फिर आप इसकी शुरुआत करें। कई बार हम देखते हैं आधा अधूरा उपाय सुनते हैं, फिर हमें SMS के माध्यम से कहते हैं, पंडित जी ये उपाय हमको फिर से सुनाइए। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, ये उपाय आप पूरा सुनिए फिर ये उपाय की शुरुआत करें। आपको क्या करना है, आपको यहाँ 3 चीज चाहिए। सबसे पहले आपको हरी घास माने भगवान श्री गणेश के ऊपर हम चढ़ाते हैं, उसको दुर्वा भी कहते हैं, जो हमें चाहिए। लेकिन कितनी चाहिए, हमारा संतान की जो भी आयु हो उतनी हमें वो हरी घास ले आनी है घर में। जिसके किसी की आयु 25 वर्ष है और किसी की 30 वर्ष है या किसी की 27 है, तो उतने हरी घास हमें हमारे घर लानी है। हमको 5 कलिया, एक हरी घास जो आती है उसमें 5 कलिया रहती है, वो हमें निकाल के अलग अलग करनी है। 5 कलिया एक में होनी चाहिए। साथ ही हरे रंग का, ग्रीन कलर का एक धागा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। मैं उसका भी अब आगे सुनेंगे तो आपको सारी बातें आपको पता चलेगी। और जितनी उम्र हो उतने ही पुष्प माने गुलाब के पुष्प हमें चाहिए। साथ ही हमें खाने वाला पान, वो जितनी आयु हो उतने पान हमें चाहिए। अब आपको क्या करना है, अगर आपके घर में भगवान श्री गणेश की स्थापना की है तो आप अपने घर में ये उपाय कर सकते हैं। साथ ही आप जो प्रतिदिन पूजा करते हैं उस भगवान श्री गणेश के ऊपर भी ये उपाय कर सकते हैं। अगर
ये भी घर में नहीं कर सके तो आप किसी भी मंदिर में जाइए, और मंदिर में भी जो भगवान श्री गणेश की स्थापना रहती है, किसी भी भगवान का मंदिर हो, जैसे भगवान शिव का मंदिर हो वहाँ भी गणेश जी का मंदिर रहता है, माने स्थापना रहती है, या कोई देवी का मंदिर हो वहाँ भी भगवान श्री गणेश की स्थापना रहती है, तो वहाँ भी उपाय कर सकते हैं। अब आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले जो हरी घास आप लाए हैं उम्र के साथ उसके भाग कर दीजिए, और जो हरा धागा है हरे रंग का ग्रीन कलर का उसके आप उतने ही टुकड़े कर दीजिए, जिसकी आयु है उतने। गुलाब के पुष्प उतने लाए हैं वो भी उतने अनुसार रख दीजिए। अब आपको जो हरी घास है उसमें सबसे पहले, याद रखिए सबसे पहले वो गुलाब पुष्प है उसमें आपको साथ रखना है, और जो ग्रीन धागा है उसमें आपको लपेट लेना है, बांध देना है। ये पूरा जितने पुष्प हुए जितनी आयु के अनुसार आप बना लीजिए। आप भगवान श्री गणेश की जो प्रतिदिन पूजा करते हैं वो पूजा आपको कर लेनी है, और फिर आपको संकल्प लेना है, आपके बेटी हो या आपकी बिटिया हो, आपका संतान जो भी है, संकल्प लेना है कि मेरी संतान की शादी में जो भी विघ्न आ रहे हैं वो भगवान आपकी कृपा से सारे विघ्न दूर हो जाए। ऐसे संकल्प लेके आपको भगवान श्री गणेश के चरणों में एक एक जो आपने बनाई है पूरी बनाई है वो भगवान के श्री चरणों में एक एक आपको चढ़ा देनी है। अभी ये उपाय पूर्ण नहीं हुआ है, अब आपको क्या करना है, तो मैं छोटा सा, बहुत छोटा सा आपको एक श्लोक देने वाला हूँ। साथ ही अगर आपने गणेश चतुर्थी के दिन ये उपाय नहीं किया, माने पांचवें दिन आपके पास ये वीडियो आया है तो कैसे ये उपाय को समाप्त करना है, या छठवें दिन आपके पास ये वीडियो आया है, सातवें दिन आपके पास ये वीडियो आया है तो उपाय आपको कैसे समाप्त करना है पूरा सुनिए। लेकिन उनसे पूर्व मेरी एक छोटी सी गुजारिश है, जो मेरे नए दोस्त ये मेरा चैनल देख रहे हैं, दोस्तों अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो ज़रूर अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। साथ ही दोस्तों भगवान श्री गणेश का नाम जरूर लिखिए, कॉमेंट्स बॉक्स में जाके भगवान श्री गणेश का नाम जरूर लिखिए, जिससे आपके भगवान श्री गणेश आपके जीवन के सारे विघ्न दूर कर दे। दोस्तों साथ ही मैं अभी जो उपाय आपके सामने रख रहा हूँ वो सरल उपाय है, लेकिन आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई भी समस्या चल रही है, अगर आपको जन्म कुंडली दिखानी है तो मैं कई बार कह चुका हूँ कि यहाँ नंबर दिया गया है उसी नंबर पे आप संपर्क करें, कॉमेंट्स बॉक्स में जो नंबर देते हैं उसे सावधान रहे। साथ ही जन्म कुंडली दिखाने के लिए, जन्म कुंडली बनाने के लिए आपका नेम चाहिए, जन्म डेट, जन्म समय, जन्म स्थल, ये पूरा सब चाहिए। आप भेज देंगे आपको जन्म कुंडली भेजी जाएगी, साथ ही आपको जन्म कुंडली के अनुसार आपकी जो समस्या है उसी के अनुसार आपको शास्त्रोक्त उपाय दिखाए जाएंगे, सरल उपाय आपको बताए जाएंगे, और आपकी जीवन की समस्या ये उपायों के माध्यम से दूर हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों जो आपको जन्म कुंडली भेजी जाएगी साथ ही आपको मुलाकात का भी समय दिया जाएगा, लेकिन उससे पहले शास्त्रों में दोस्तों जो मैं जन्म कुंडली आपको कहूँगा उसकी पहले आपको दक्षिणा भेजनी होगी। कई बार दोस्तों बहुत से लोगों के हमें कॉल आते हैं, पंडित जी ये मेरी राशि है मुझे बताइए। मैं कई बार कह चुका हूँ ज्योतिष देखने का
अपॉइंटमेंट लेने का जो समय है सुबह 10 बजे से 1 बजे तक है, शाम को 5 बजे से 9 बजे तक है। दोस्तों ये तो बात हुई आपके लिए, लेकिन जो हम सरल उपाय आपके सामने रख रहे थे वो भी सुन लीजिए। ये जो मंत्र मैं श्लोक देने वाला हूँ उस मंत्र के आपको भगवान श्री गणेश के सामने पहले दिन कर रहे हैं तो एक माला करनी है, लेकिन जो माला है वो तुलसी की नहीं होनी चाहिए, और कोई भी माला चल सकती है। दूसरे दिन ये उपाय आपने शुरुआत कर दी, आपको 10 दिन तक ये उपाय करना है। चतुर्थी के दिन आपने शुरुआत कर दी और जो चतुर्दशी रहती है उसी दिन ये उपाय की आपको पूर्ण करना है। अब पहले दिन क्या करना है, पहले ही उपाय आपने भगवान श्री गणेश के चरणों में आपने सारी जो हमने बनाई थी वो अर्पित कर दी, पहली माला कर ली। लेकिन दूसरे दिन आपको ऐसे ही बनाना है, लेकिन माला की जो गिनती है वो बढ़ाना है। दूसरे दिन आपको 2 माला करनी है, तीसरे दिन आपको 3 माला करनी है। ऐसे मान लीजिए कि 5वें दिन आप ये उपाय कर रहे हैं तो आपको 5 माला से शुरुआत करनी है। 6वें दिन आप ये उपाय कर रहे हैं तो 6 माला से ये उपाय आपको करना है। माने दूसरे दिन कर रहे हैं तो 2 माला करके आपको प्रतिदिन एक एक माला आपको बढ़ानी है। मान लीजिए कि आपको 7वें दिन ये वीडियो आपको प्राप्त हुआ तो आपको क्या करना है, 7 माला करनी है, 8वें दिन 8 माला करनी है, 9वें दिन 9 माला करनी है और लास्ट दिन 10 माला करनी है। ये जो मैं श्लोक दे रहा हूँ बहुत ही छोटा सा है, कोई इतना बड़ा ये श्लोक नहीं है, इसलिए आप माला कर सकते हैं। एक माला करने में 3 से 4 मिनट आपकी जा सकती है, लेकिन इसका परिणाम आप सोच नहीं पाएंगे, इतना बढ़िया आपको परिणाम मिलेगा। लेकिन हमें श्रद्धा से करना है, पूर्ण विश्वास के साथ करनी है, तभी उसका परिणाम मिलता है। एक दिन आपने कर लिया और आपने ये सारी समाप्त कर दिया तो उसका परिणाम नहीं मिलता। और हमारे इस युग में भगवान श्री गणेश, हनुमान जी महाराज और हमारी कुल देवी जो भी आराधना उपासना करते हैं उसकी सारी तमन्ना सारी इच्छाएं भगवान माँ जगदम्बा जरूर पूर्ण करते हैं। अब आपको कितनी माला कैसे करनी सारी वस्तु मैंने समझा दी, लेकिन आपने जो भगवान के ऊपर दुर्वा चढ़ाई है वो शाम सूर्य अस्त होने से पहले आपको सारी ले लेनी है और किसी बैग में डाल देनी है। आप 10 दिन ये सारी बैग में एकत्रित करें, 10वें दिन आपका ये जो उपाय है पूर्ण हो गया है, आप किसी भी पानी में जल में प्रवाहित कर दें। मुझे लग रहा है ये उपाय पूरा आपने समझ लिया होगा, साथ ही मुझे पूरा विश्वास है कि आप पूर्ण विश्वास से, भाव से, श्रद्धा से करेंगे। भगवान श्री गणेश आने वाले शादी में जो भी बाधा आ रही है जरूर दूर करेंगे। दोस्तों ऐसे ही उपाय आपके सामने मैं रखता रहूँगा। आप जो हमें प्यार दे रहे हैं उस प्यार के लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। YouTube के माध्यम से फिर हमारी मुलाकात होगी। जय श्री कृष्ण महादेव हर।